हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल रतन तौर पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है वांछित जीन की पहचान व पृथक्करण। वांछित जीन की पहचान व पृथक्करण के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी जो पुनर्योग डीएनए टेक्निक हम पढ़ रहे थे, पुनर्योग डीएनए टेक्निक पढ़ रहे थे, उसमें पहला पॉइंट आता है वांछित जीन की पहचान कैसे करते हैं और उसका पृथक्करण है वो किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में हमें वो विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हमें पता है कि पादपों या जंतुओं में वांछित गुणों वाले डीएनए खंड की पहचान कर, पादपों और जंतुओं में जो वांछित डीएनए खंड या जीन पाया जाता है उसकी पहचान की जाती है और उसे कोशिका से रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम व अन्य एंजाइमों की सहायता से पृथक करते हैं। इस डीएनए को विजातीय डीएनए कहा जाता है। प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होते हैं? एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम वे एंजाइम जो डीएनए को बीच में से नहीं काट कर, बीच में से डीएनए को सिरों से नहीं काट करें, बीच में से कहीं से काटते हैं। एंडो न्यूक्लिएज एंजाइम एंडो न्यूक्लिएज एंजाइम कहलाते हैं। यानी एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या होते हैं? वे एंजाइम डीएनए को सिरों से नहीं काटकर बीच में से कहीं से काटते हैं, उन्हें कहते हैं एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है वो कहते हैं। यानी एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है वो क्या करेंगे, डीएनए को सिरों से नहीं काटते, बीच में से कहीं से काटते हैं। ऐसे एंजाइम जो डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोइड श्रृंखला को N2 क्षारकों के एक विशेष क्रम पर काटते हैं, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहलाते हैं। अब बात आती है प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कौन से होते हैं? एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या होते हैं? ये जो एंजाइम है प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, ये क्या करते हैं, डीएनए में जो डीएनए में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है, डीएनए में जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में N2 क्षारकों को एक विशेष क्रम में काटते हैं, विशेष क्रम में काटते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है वो कहा जाता है। यानी जो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है वे एंजाइम जो डीएनए को सिरों से नहीं काटकर बीच में से कहीं से काटते हैं एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहलाते हैं। प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या होते हैं? डीएनए में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में N2 क्षारकों को एक विशेष क्रम में काटते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है वो कहा जाता है। N2 क्षारकों के इस विशेष अनुक्रम को रेस्टिकेशन साइट कहा जाता है। खोज है आर्बर व स्मिथ ने 1970 में इसकी खोज की थी। किसने की थी? आर्बर व स्मिथ ने इसकी खोज है वो की थी। अब हम पढ़ेंगे कौन से जो प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है वो मुख्य एंजाइम होते हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, वो डीएनए को कहां से काटते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रत्येक जो रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, रेस्टिकेशन यानी प्रतिबंधित एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम, रेस्टिकेशन एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम, इनको शॉर्ट में हम लिखते हैं RE, रेस्टिकेशन एंडो न्यूक्लियेज
एंजाइम। रेस्टिगेशन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है वो प्राकृतिक रूप से ई कोलाई और किसमें पाए जाते हैं, बेसिलस स्टेटोकोकस में पाए जाते हैं, बेसिलस स्टेप्टोकोकस में पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से जो एंजाइम है रेस्टिगेशन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। हिंदी में इनको कहा जाता है प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, इकोलाई और बेसिलस स्टेप्टोकोकस में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो एंजाइम होते हैं प्रत्येक रेस्टिगेशन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की रेस्टिगेशन साइट अलग अलग होती है। ये अपनी रेस्टिगेशन साइट को पहचानता है तथा इस श्रृंखला को इस स्थान से क्या करता है, काटने का कार्य करता है। यानी अलग अलग जो सूक्ष्म जीव हैं उनसे अलग अलग प्रकार के एंजाइम है वो प्राप्त होते हैं। जैसे ई कोलाई से जो एंजाइम प्राप्त होता है उसका नाम है इको आर फास्ट एंजाइम है। ये क्या करता है, जो N2 क्षारक है उनको G और A के मध्य से काटने का कार्य करता है। हमें पता होगा DNA में 4 नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, A, C, G और T। ठीक है, इन 4 नाइट्रोजनी क्षारक है वो किसमें पाए जाते हैं, DNA में पाए जाते हैं। फिर आता है हिंद थर्ड, ये एंजाइम है, ये क्या करता है, ए और ए के मध्य से काटने का कार्य करेगा नाइट्रोजनी क्षारकों को। इसके बाद में अगला आता है BAM फास्ट, ये जो एंजाइम है ये क्या करेगा, नाइट्रोजनी क्षारकों को काटेगा जी और जी के मध्य से। और लास्ट क्या आता है, HE थर्ड, ये जो एंजाइम है ये क्या करेगा, जी और सी के मध्य से काटने का कार्य करेगा। यानी इनकी एक रेस्टिगेशन साइट होती है एंजाइम की। यानी इको आर फर्स्ट है वो क्या है, एक प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है जो नाइट्रोजनी क्षारक को एक विशिष्ट सिरे से काटेगा और वो विशिष्ट सिरा है जी और ए। हिंद थर्ड है ए और ए के मध्य से, BAM फास्ट जी और जी के मध्य से, HE थर्ड है जी और सी के मध्य से काटने का क्या करेगा, कार्य करेगा। इन एंजाइमों की एक विशेष साइट है ये पाई जाती है और इसी साइट पर ये काटने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो खोजा गया एंजाइम है उसका नाम है रेस्टिगेशन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। जो सबसे पहले खोजा गया उसका नाम है हिंद 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वप्रथम खोजा गया प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का नाम है हिंद 2। सर्वप्रथम ये कोई एंजाइम है वो खोजा गया। यानी कहने का मतलब क्या है, वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण कैसे किया जाता है, सबसे पहले पादप व जंतुओं में उस जीन का पता लगाया जाता है और उस जीन को विशिष्ट रेस्टिगेशन एंजाइमों की सहायता से काटा जाता है और उस DNA को प्राप्त किया जाता है। उस DNA को हम कहते हैं विजातीय DNA। और उसके बाद में बताया कि REE रेस्टिगेशन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है, ये विशिष्ट जो साइड होती है रेस्टिगेशन साइड जो नाइट्रोजनी क्षारकों को काटने का कार्य करती है वो एक विशिष्ट स्थल से एक विशिष्ट एंजाइम है वो कार्य करता है। मैंने अभी बताया जो रेस्टिगेशन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होते हैं ये एंजाइम है सामान्यतः इकोलाई और बेसिलस स्टेप्टोकोकस से प्राप्त किए जाते हैं। इन एंजाइमों में मैंने बताया इको आर फर्स्ट ये प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है। इको आर फर्स्ट ये क्या करता है, नाइट्रोजनी क्षारकों को जी और ए के मध्य से काटने का कार्य। हिंद थर्ड है ए और ए के मध्य से, BAM फर्स्ट है जी और जी के मध्य से, और HE थर्ड है जी और सी के मध्य से क्या करता है, काटने का कार्य करता है। और सर्वप्रथम जो खोजा गया एंजाइम है रेस्टिगेशन एंडोन्यूक्लिएज उसका नाम है हिंद 2। क्या नाम है, हिंद 2 एंजाइम है जो सर्वप्रथम क्या किया गया था, खोजा गया था। ये सबसे पहले खोजा जाने वाला एंजाइम है। ठीक है, अब इसको हम एक आरेख के द्वारा, सिंपल से आरेख के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि रेस्टिगेशन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है वो किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है,
रेस्टिगेशन ये एंजाइम कैसे कार्य करता है, इसको हम एक सिंपल से डायग्राम के द्वारा क्या कर रहे हैं समझ रहे हैं। देखो ठीक है, ये है वाहक डीएनए, हमने लिया वाहक डीएनए। ठीक है, दूसरा यहां पे ये तो वाहक डीएनए होगा और दूसरा हो गया विजातीय डीएनए, विजातीय डीएनए, वाहक डीएनए और विजातीय डीएनए। ठीक है, अब क्या है, इस पर हमें इक्वायर फर्स्ट की रिएक्शन दिखानी है, जो रेस्टिगेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसकी क्रिया को हमें प्रदर्शित करना है। अब इस पर नाइट्रोजनी क्षारक है सी सी जी ए सी जी ए और आगे क्रम दिया है टी टी सी टी टी और सी, ये क्रम दिया हुआ है। उसके बाद में यहां क्रम देंगे, हमें पता है सी जुड़ेगा जी से, जी जुड़ेगा सी से, ए जुड़ेगा टी से, टी जुड़ेगा ए से और ये टी जुड़ेगा ए से, सी जुड़ेगा किसे जी से, किसे जुड़ेगा जी से जुड़ेगा, एक रेस्टिगेशन साइड है वो बन गई। यहां दिया हुआ है क्रम आपको जी ए, जी ए दिया हुआ है, उसके बाद में ए ए टी टी सी दिया हुआ है क्रम, हमें यहां पता है सी आएगा, यहां क्या आएगा टी टी ए ए और यहां लास्ट में हमें पता है क्या आएगा जी आएगा। ये क्या हो गया वाहक डीएनए और विजातीय डीएनए में N2 क्षारकों का जो क्रम है वो दिया हुआ है। अब हम क्रिया किसकी करवा रहे हैं, इको आर फास्ट, जो एक रेस्टिगेशन एंजाइम होता है, रेस्टिगेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, ये एंजाइम है वो जी और ए के मध्य से काटने का कार्य करेगा। तो ये जी है और ए के मध्य, जी और ए के मध्य से काटने का कार्य करेगा, इसको जी और ए के मध्य से। ठीक है, दूसरा है विजातीय डीएनए, उसको भी ये कहां से काटेगा, जी और ए के मध्य से काटने का कार्य करेगा, जी और ए के मध्य से काट रहा है ये दोनों को, यानी इको आर फर्स्ट, चाहे वाहक डीएनए हो चाहे विजातीय डीएनए हो, उन दोनों को काटने का कार्य करता है, जी और ए के मध्य से काटने का कार्य है वो करता है। ठीक है, अब वाहक डीएनए और विजातीय डीएनए को एक ही एंजाइम द्वारा काटा गया जिसका नाम है इको आर फर्स्ट, क्या नाम है इको आर फर्स्ट द्वारा है वो काटा जा रहा है दोनों एंजाइमों को। अब देखो यहां पे हमें क्या साइड प्राप्त हुई, यहां पे हमें जो साइड प्राप्त हो रही है उसको हम लिख सकते हैं यहां पे सीधा ही, जैसे मैंने यहां डायग्राम बनाकर साइड लिख दी इसकी, यहां हमें सी और जी प्राप्त हुआ ऊपर वाले में और ये आगे वाला पोर्शन है इक्वार फर्स्ट से कट गया, नीचे वाले में हमें प्राप्त क्या हुआ, देखो नीचे वाले में जी सी टी ए सी टी ए और लास्ट में क्या प्राप्त हुआ, ए प्राप्त हुआ, आगे वाला सिरा जी है वो कट गया इसका। ठीक है, और यहां देखो हमें यहां पर जो विजातीय डीएनए है उसमें क्या साइड प्राप्त होती है, उसमें हम साइड देखते हैं तो हमें यहां पे देखो यहां जी ये कट गया तो ए ए टी सी ए ए टी टी सी प्राप्त हुआ हमें, और नीचे वाले में हमें लास्ट वाला क्या कट गया, जी जी बच गया, केवल क्या बच गया यहां जी और बाकी की साइड इधर वाली क्या हो गई कट गई। ठीक है, अब क्या होता है ये स्टिकली एंड है दोनों के, यानी दोनों के सिरे हैं वो कट गए, स्टिकली एंड यानी ये दोनों चिपचिपे सिरे हैं, अब इनके दोनों के चिपचिपे सिरे हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, कैसे जुड़ेंगे देखो, अब जुड़ने की जो प्रोसेस है वो इस प्रकार से होगी, देखो इसमें क्या दिया हुआ है सी सी जी सी जी, आगे क्रम क्या आएगा ए, इधर वाला ए ए टी टी सी आ गया क्रम। ठीक है, नीचे वाले में हमारे पास में क्या था, देखो ये था जी सी टी ए ए और वहां लास्ट में क्या है, सॉरी
जी सी टी, तो यहां टी आएगा, टी के बाद में यहां क्या आएगा, ए, और यहां ए, और सी किससे जुड़ जाएगा, जी से, सी किससे जुड़ जाएगा, जी से है वो जुड़ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा, कि दोनों के जो स्ट्रिक्टली एंड है वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़े जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दोनों के स्ट्रिक्टली एंड है वो आपस में जुड़ जाएंगे। इसका सिरा था जी सी, तो जी सी, ये रहा सी जी, सी जी, और ये था जी सी टी टी ए। यानी कहने का मतलब है वाहक डीएनए और विजातीय डीएनए, वाहक डीएनए और विजातीय डीएनए दोनों को एक ही एंजाइम इक्वार फर्स्ट द्वारा काटा जाता है। इक्वार फर्स्ट द्वारा क्या किया गया, इनको काटा गया। इक्वार फर्स्ट की विशेषता क्या है, ये एन टू क्षारकों को जी और ए के मध्य से काटने का कार्य करेगा, जी और ए के मध्य से काटने का कार्य करेगा। अब इनके सिरे हैं जो कट गए वो अलग हो गए। अब इसका सिरा बचा सी जी, सी जी, इसका बचा ए ए टी टी सी, ए टी टी सी बचा। अब इसके सिरे हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, ये सिरा इसका जुड़ गया इससे, नीचे वाला सिरा है जी सी, जी सी टी ए ए, ए ए सिरा है वो इसके साथ में आपस में क्या हो गया, जुड़ जाएगा। और जुड़ने से यहां पर जो डीएनए बनेगा उसका नाम है पुनर्योगज डीएनए। क्या बनेगा, पुनर्योगज डीएनए का, पुनर्योगज डीएनए बनेगा। यानी वाहक डीएनए और विजातीय डीएनए को एक समान रेस्टिगेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटा जाता है। काटने के बाद में इनके जो चिपचिपे सिरे उनको आपस में डीएनए, डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। यानी डीएनए लाइगेज एंजाइम में वो इनके दोनों सिरों को आपस में क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है, क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। तो यहां पर डीएनए लाइगेज है, वाहक डीएनए और विजातीय डीएनए को आपस में क्या करता है, जोड़ने का कार्य। जोड़ने के बाद में जो संरचना बनती है उस संरचना का नाम है पुनर्योगज डीएनए बोलते हैं, पुनर्योगज डीएनए या आर के नाम से भी इसे जाना जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब बात यह आती है रेस्टिगेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को काटने के बाद श्रृंखला के सिरे पर कुछ अयुग्मित N2 क्षारक उपस्थित होते हैं। श्रृंखला के इन सिरों को चिपचिपे सिरे कहा जाता है। इनकी सहायता से डीएनए लाइगेज एंजाइम वाहक डीएनए व विजातीय डीएनए को परस्पर जोड़कर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करता है, पुनर्योगज डीएनए बन जाएगा। इसे क्या बन जाएगा, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण। अब हम पढ़ेंगे रेस्टिगेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में उसका नामकरण है वो किस प्रकार से किया जाता है। रेस्टिगेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नामकरण, ठीक है, तो हम, हमारा जो टॉपिक है वो है रेस्टिगेशन, रेस्टिगेशन एंडोन्यूक्लियस, रेस्टिगेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नामकरण, रेस्टिगेशन एंडोन्यूक्लियस का नामकरण है वो किस प्रकार से किया जाता है। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं आर ई ई, रेस्टिगेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं इसे, ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है किसी भी एंजाइम का नाम का पहला अक्षर उस जीवाणु के वंश का, तो पहला है एंजाइम का पहला, एंजाइम का जो पहला, एंजाइम के, एंजाइम का पहला अक्षर, पहला जो अक्षर आता है वो किसका आता है, जीवाणु के वंश का नाम, जीवाणु के वंश का नाम, जीवाणु के वंश का नाम, वंश के नाम का पहला अक्षर आता है जिसे जीवाणु से इस एंजाइम को प्राप्त किया गया है। एंजाइम के नाम के दूसरे व तीसरे अक्षर उस जीवाणु की जाति के होते हैं, दूसरा होता है जीवाणु की जाति,
दूसरे व तीसरे अक्सर एंजाइम के नाम। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है नाम का चौथा अक्षर उस जीवाणु के बारे में विशिष्ट सूचना देता है। विशिष्ट सूचना चौथा अक्षर है वो विशिष्ट सूचना, चौथा अक्षर क्या देगा, विशिष्ट सूचना देने का कार्य करेगा, विशिष्ट सूचना देने का कार्य करेगा। अब आएगा चौथा अक्षर, चौथा जो अक्षर आएगा उस जीवाणु के खोज का क्रम, खोज का क्रम, अगला जो भी अक्षर आएगा वो खोज का क्रम आएगा। क्या आएगा, खोज का क्रम आएगा। ठीक है, अब यानी किसी भी रेस्टिगेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नामकरण करना है तो एंजाइम का जो पहला अक्षर आएगा वो जीवाणु के वंश का पहला आएगा, जिसे कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। दूसरा आएगा जीवाणु की जाति के दूसरे व तीसरे अक्षर है वो लिखे जाएंगे। चौथा अक्षर है विशिष्ट सूचना को देगा और चौथा पॉइंट है वो खोज के क्रम के बारे में बताएगा। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं, हम क्या लेते हैं, एक उदाहरण लेके इसको समझते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं इको आर फर्स्ट, इको आर फर्स्ट ये नाम है, इसमें कौन कौन सा शब्द क्या अर्थ बताता है। रेस्टिगेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को एसेरिया कोलाई नामक जीवाणु से प्राप्त किया गया है। तो अब इसमें क्या कौन कौन से नाम है वो बताते हैं। देखो ई का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ई का मतलब होता है एसेरिया, ई सी एच, ई एस सी एच, आर आई ए, आर आई ए। दूसरा होता है सीओ, सीओ का मतलब सिंपल सा है सीओ एल आई, सीओ एल आई कोलाई। और आर का मतलब है रफ, ये स्टेन या प्रभेद है, ये क्या है स्टेन, प्रभेद होता है इसमें। ठीक है, और लास्ट आता है फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम बार खोजा गया, प्रथम बार खोजा गया, प्रथम बार खोजा गया, पहली बार खोजा गया मतलब। अब सबसे पहले बात करते हैं ई, ई एसेरिया, एसेरिया क्या है, ये जो जीवाणु है उसकी उसका वंश है, ये है जीवाणु का वंश। दूसरा तीसरा अक्षर है जाति और तीसरा है प्रभेद और चौथा है प्रथम बार है वो खोजा गया। तो इको आर फर्स्ट में जो नाम दिए हुए उनका अर्थ है वो आपको याद दिया गया है। इको आर फर्स्ट के बारे में आपको पता ही है, ये एंटू छारको को जी और ए के मध्य से क्या करता है, काटने का कार्य करता है। यानी इको आर फर्स्ट कहां से काटेगा, जी और ए के मध्य से काटने का कार्य करेगा। यानी इको आर फर्स्ट में ई एसेरिया कोलाई ये जीवाणु होता है जिससे इको आर फर्स्ट एंजाइम है वो प्राप्त किया गया। यानी इको आर फर्स्ट एंजाइम किससे प्राप्त किया गया, एसेरिया कोलाई में, एसेरिया उस जीवाणु का वंश है और कोलाई क्या है उसकी जाति है। ठीक है, अब इसका हम वर्गीकरण करते हैं तो ई का मतलब हो गया एसेरिया, इसका वंश है तो ई पहला अक्षर आ गया, सीओ द्वितीय और तृतीय अक्षर है वो जाति का आता है तो सी एल आई कोलाई, आर होता है रफ, रफ यानी स्टेन है ये प्रभेद है, आई के फर्स्ट का मतलब है प्रथम बार है वो खोजा गया है, और इको आर फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एंटू बेस को जी और ए के मध्य से क्या करता है, काटने का कार्य करता है। रेस्टिगेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में उन्हें आणविक केंचिया भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आणविक केंचियों के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अब देखो उपयोग में आने वाले अन्य एंजाइम कौन से होते हैं, आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए टेम्पलेट पर डीएनए का निर्माण करता है। दूसरा आता है डीएनए टेम्पलेट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए के टेम्पलेट पर पूरक डीएनए का निर्माण करता है। तीसरा है लाइगेज एंजाइम, डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य। चौथा है लाइसोजाइम एंजाइम, जीवाणु के डीएनए को पृथक करने के लिए जीवाणु की कोशिका भित्ति को गलाने का कार्य। छठा है एल्केलाइन फॉस्फेटेज, जीवाणु में पाए जाने वाले वर्तागार वाहक डीएनए को विजातीय डीएनए से जोड़ने का कार्य करता है। यानी ये विशिष्ट प्रकार के एंजाइम है जो विशिष्ट प्रकार के जो कार्य है उनको संपादित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, विशिष्ट प्रकार के कार्य को संपादित करने का
कार्य है वो किया जाता है, इन एंजाइमों के द्वारा है ये कार्य किया जाता है। ये था हमारा पॉइंट, वांछित जीन की पहचान व पृथक्करण है वो कैसे किया जाता है। यानी सिंपल भाषा में इसको समझने का तरीका ये है, पादपों व जंतुओं में वांछित जीन की पहचान करो। वांछित जीन को विशिष्ट रेस्टिगेशन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा काटा जाता है और जो डीएनए प्राप्त होता है उसका नाम होता है विजातीय डीएनए। और यहाँ पे जो विजातीय डीएनए और वाय डीएनए है उन दोनों को एक ही समान एंजाइम द्वारा काटा जाएगा और उसके बाद में डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा इनको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। और जोड़ने से जो संरचना बनती है उस संरचना का नाम होता है पुनर्योगज डीएनए। क्या नाम होता है? पुनर्योगज डीएनए संरचना है वो बनती है। तो आज की वीडियो में हमने वांछित जीन की पहचान व पृथक करण के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक है वो पूरा देखिए। आज के वीडियो में इतना ही। ओके बाय।